नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान तारक शेख। नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद है तहसील मंडी के ब्लॉक लोहरन के इलाका बटलकोट में, जहां पर आवाम को काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, हम आपको बताते चले, तहसील मंडी के ब्लॉक लोहरन के बटलकोट इलाका में इस टाइम जो कि स्लाइडिंग हो रही है, जिससे आवाम को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, वही हमारी जब आवाम से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ जो है मैन रोड है, जो यहाँ से बटलकोट से लोहरन बस स्टैंड तक जाती है, जहाँ पर इस टाइम स्लाइडिंग हो रही है, आवाम को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन आवाम का ये भी कहना है कि हमें बेलापाला से जो के बस स्टैंड राशन लाने जाना पड़ता है, तो वही उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि वो राशन एक ही साथ आवाम को 2-3 महीने का दे, ताकि आवाम को किसी भी चीज की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वही आवाम का क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। हाँ जी सर, आपका नाम? मोहम्मद शरीफ। सर, जो यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है, सवाल से आपका क्या कहना है? सर, एक्चुअली ये 2-3 दिन से स्लाइडिंग हो रही है, तो काफ़ी ये हम जो रफ का रास्ता है, 24 घंटे यहाँ से लोग गुजरते हैं, गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, पैसेंजर भी गुजरते हैं, तो इसकी तरफ किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी महकमे ने अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी है। तो मेरे DC साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी, कि लोग जो हैं यहाँ से हमेशा गुजरते रहते हैं, और स्लाइडिंग आपके सामने अभी भी हो रही है, तो ताकि JCB भेजी जाए और ये रास्ता क्लियर किया जाए, और उसके बाद में पुलिस के एक दो आदमी को भेजा जाए जो कि पब्लिक के साथ डीलिंग करें, क्योंकि लोग आते जाते हैं और अचानक कोई हादसा हो जाए। अभी तो उतरा नहीं है, अगर इससे बड़ा कोई हादसा हो जाए तो फिर हमें पछताना पड़ेगा। इससे पहले कि मेरी DC साहब से रिक्वेस्ट है कि वो एक तो मशीन भेजी जाए, दूसरा ये है कि इसको पब्लिक को जो है कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये स्लाइडिंग बार बार हो रही है, और इसका भरपूर इंतज़ाम किया जाए। यहाँ तो इस पहाड़ को गिराया जाए, इसको उस तरफ इन पत्थरों को गिराया जाए, वरना कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, जिससे कि हमें ये नुकसान उठाना पड़ रहा है।